of new. कौन आ रहा है आपकी टीम से? आदि भैया मेरी टीम से आ रहे हैं अभी हमारे प्रभु प्रांजल. ओ प्रभु प्रांजल. भैया आज फादर स्पेशल है तो सबके पापा इधर बैठे हैं. मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं. उनका भी काम है जी ऑफ कोर्स. पर मैं प्रांजल से ज्यादा शौक उसकी मम्मी दिख रही है. सर पापा मेरे साथ आश्रम जाते हैं, मुझे ले जाते हैं और उधर पापा 4-5 घंटे बैठे रहते हैं. मैं सीखता हूँ पर पापा कुछ नहीं करते पर सिर्फ बैठे रहते हैं. और मैं इधर आया हूँ मम्मी के साथ. पापा अभी घर पे अकेले हैं. पापा को उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और क्योंकि मैं कभी भी पापा को नहीं बोला थैंक यू अभी तक. आसमां ऊंचा है मेरा तू ही छू लेना. मेरे सारे सपने तेरे तू ही जी लेना. बच्चों से झूठ नहीं बोलते ये बात शायद मेरे पापा को किसी ने बताई नहीं. उनका पहला झूठ, फटे हुए जूतों से पैरों में ठंडी हवा आती है इसलिए बदल नहीं रहा. दूसरा झूठ, 20 साल पुराने स्कूटर में राक्षस घुस गया है इसलिए चल नहीं रहा. तीसरा झूठ, अब जाने भी दीजिए सैकड़ों झूठ हैं कहां तक गिनवाऊंगा, पर मुझे मेरे पापा ने शहजादों की तरह पाला ये एक सच मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा.
सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजान रास्ते गूंज सा है कोई तारा एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा एक तारा गूंज सा है कोई एक तारा आसमान की थी जब शो की जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पे भी कुछ विलन्स है यहाँ पे भी कुछ टकरार है यहाँ पे भी कुछ लोग भिड़े हुए हैं और किसी इंसान की लड़ाई चल रही है किसी कुर्सी के लिए शोएब आपकी जिंदगी में एक विलन है ना और आप विलन के साथ लड़ना चाहते हो नहीं सर चेयर छीनना चाहता हूँ तुम वैसे नहीं लड़ना लेकिन चेयर छीनने के लिए तो तुम्हें सुर की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना यस सर मैं पिछली बार जब इनको देखने आया था तो मुझे याद है मैं जमीन पे लेट गया था एग्जैक्टली तो तुम्हें उनकी जड़ों को पहले कमजोर करना पड़ेगा यानी कि उनकी टीम मेंबर से लड़ना पड़ेगा करेक्ट इस चेयर छीनने के लिए तो मैं इनकी टीम तो क्या पूरी दुनिया को भी हरा दूंगा तुम अपनी कुर्सी के लिए किसको चुनोगे अपनी टीम में से जो तुम्हें और तुम्हारी कुर्सी को और तुम्हारे हुनर को डिफेंड कर सके सर मुझे लगता है कि मैं मनी को ही भेजूंगा मेरे दिल की बात चलो हो जाए ऑल द बेस्ट मेरी इज्जत बचाना मेरी कुर्सी खतरे में है Deep
इश्क़ज़ादे दिल उड़ा देंगे फिर से इश्क़ज़ादे इश्क़ को आज़माने इश्क़ज़ादे फड़फड़ाते हैं फिर से इश्क़ज़ादे इससे पहले कि हम कुछ कहें, I think हम सब मिलकर इस वक्त दुनिया हिला देते हैं। आज मनोज जाए तो हम पहले गाने से मैं शुरुआत करना चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा जो उन्होंने लिखा है। मैं अभी दिशा को वही बोल रहा था कि यार हमारे गाने हम कभी रियलाइज नहीं करने एज एक्टर्स की क्या वैल्यू होती है उन गानों की। जब हम ऐसे यहाँ बैठते हैं तो एक एक पावर रियलाइज होती है गाने की, और वो लाइनों से आती है, जैसे दोनों गानों में है। और दोनों गाने मुझे लिपसिंग करने मिले नहीं। हाँ, लिपसिंग नहीं थे। तो आज जब तू गा रहा था तेरी आवाज के साथ मैं लिपसिंग कर पा रहा था, और आई थिंक मेरे लिए वो बहुत खुश नसीबी की बात है कि ऐसी एक आवाज थी दैट मेड मी फील लाइक सिंगिंग माई ओन सॉन्ग। थैंक यू सो मच सर। चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तेरी उम्र मेरे से कम है लेकिन तेरे में रोमांस तो है जेन्युइनली, बिकॉज मैंने दोनों गाने पूरे गाए हैं और तू टेप देख लेना जाके। और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे लिरिक्स आती है, क्योंकि मस्त मगन था 2014 और फिर भी तुमको चाहूंगा बस 2017। तो क्या एक्टर शायद हमेशा याद नहीं रखता, स्पेशली जब लिपसिंग नहीं करता। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.